जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द टॉरस साइन, यानी कि वृषभ राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं टॉरस क्या ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक। टॉरस, इट्स अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट, सक्सेस, विक्ट्री। बहुत ज़्यादा यू नो आप अपनी सक्सेस को इंजॉय कर रहे हैं, विक्ट्री को। थिंग्स आर गोइंग ग्रेट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। बट येस ऑफ कोर्स, एंड यू आर इन्जॉइंग इट। एंड आगे के लिए भी मुझे फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है, चाहे वो आपके रिलेटेड करियर से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से या जनरल ओवरऑल किसी भी यू नो आपके लाइफ के एस्पेक्ट को वो कर सकती है। तो लेट्स फाइंड आउट कि क्या लव लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट है या नहीं है। लव लाइफ में आई थिंक ओके, शायद हो सकता है यू आर मिसिंग समबडी एंड यू आर मैनिफेस्टिंग समबडी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद यू आर थिंकिंग अबाउट मैनिफेस्टिंग समबडी बैक इन टू योर लाइफ, या ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, यू हैव दैट लव, बट आई थिंक यू आर नॉट शोइंग ऑफ, या हो सकता है कि अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल्ड रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप डिसअपॉइंटेड हैं कहीं ना कहीं। एक सेक्टर है आपका जो डिसअपॉइंटेड है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शायद आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज़ें मुझे टॉरस के लिए दिखाई दे रही है। मिसिंग समबडी, यू नो, आपके जो पार्टनर है थर्ड पार्टी में है, और हो सकता है कि मुझे लगता है कि मे बी मैरिड में हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दे हैव किड्स एज वेल, या कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज क्लोज्ड ऑफ, ठीक है, टोटली, एंड दे आर नॉट लुकिंग एट यू। तो टॉरस के लिए मुझे लव लाइफ में यही दिखाई दे रहा है। और अगर फ्यूचर की बात करें, आई थिंक आपको, अगर आप किसी स्पेसिफिक पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, देन आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, या आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है अगर पास्ट के लिए है। और अगर आप मैरिड हैं तो देन आई थिंक यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ, योर स्टेबिलिटी, यू नो, ओनली दैट वे यू आर गोइंग टू कनेक्ट। या हो सकता है कि आपको थोड़ा सा सेल्फ वर्क जिसे कहते हैं वो करने की ज़रूरत है, अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी बीच में है, कन्फ्यूजन है, सो मे बी इट्स अ टाइम दैट यू बी इन दैट एनर्जी, दैट क्वीन एनर्जी। ठीक है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो को डिपेंडेंट होके या मैनिफेस्ट करके या ये सब करके, आई डोंट थिंक इट्स सिंपली गोइंग टू वर्क। और सबसे पहले अपनी एनर्जी को, अपने आप को खुश करना, बैलेंस, सेल्फ लव, इस एनर्जी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हाइपर होके कुछ करेंगे, नो। चलिए अब टॉरस के करियर की बात करते हैं। आने वाले टाइम में करियर कैसा रहेगा? करियर वाइज इट सीम्स टू बी गुड फॉर यू, आई टोल्ड यू, ये अच्छी एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके लिए। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, यू नो, सो आई थिंक कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है कि आगे चल के यू नो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आई थिंक या तो डिले हो सकती है, या हो सकता है कि आपको कोई लाइक थोड़ा बहुत बर्डन आ सकता है। ठीक है, मान लीजिए आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मे बी अ वीज़ा, मे बी अ पासपोर्ट, और मे बी स्टफ़ लाइक दैट, या कुछ चीज़ें हैं। मान लीजिए करियर वाइज ओके चल रहा है, गुड चल रहा है, ठीक है, एंड देन यू आर फीलिंग गुड, यू आर फीलिंग हैप्पी विद योर करियर एंड ऑल दैट। आप फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं, ये सोच रहे हैं लेकिन या तो हो सकता है कि वहाँ जाके कुछ छोटी मोटी इश्यूज़ आ सकते हैं, या हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिले हो सकता है। और क्या वो सॉर्ट आउट होगा? येस, इट विल सॉर्ट आउट। ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, मे बी हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा आपका बस टाइम लग जाए। तो क्या गाइडेंस है टॉरस के लिए?
डिवाइन टाइमिंग, ठीक है, आई थिंक जस्ट नीड टू बैलेंस ब्यूटिफुल एनर्जी. आई थिंक इट दिस इज़ द राइट टाइम. थिंग्स आर मैनिफेस्टिंग फॉर यू. ब्यूटिफुल एनर्जी इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड आई थिंक लॉट ऑफ सक्सेस एंड अबंडेंस इज गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू जल्दी ही. और लेकिन आप सिर्फ अपने आप को बैलेंस रखिए और हार्डवर्क कीजिए और अपनी एनर्जी को सही दिशा दीजिए, बस मैं यही कहूँगी. तो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड एनर्जी. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. मुझे कमेंट करके बताइए टॉरस आपको रीडिंग कैसी लगी. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.